सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, अभी तक मार्केट में क्या क्या हुआ है और आगे आने वाले सेशंस में क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पस में या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 11,941 के पास और आज निफ्टी हमें 900 का लेवल होल्ड रखते हुए दिखाई दिया था और आज हाई कहाँ पे किया था निफ्टी ने, 11,989 के पास। तो देखिए, मैंने आपको पिछले बहुत सारे वीडियोस में कहा था कि अगर आपको एक डिप मिलती है तो आपको जरूर जाना चाहिए निफ्टी के अंदर लॉन्ग के लिए, और लॉन्ग के लिए आपका टारगेट क्या होगा, 970 से लेके 980 के बीच में आपका टारगेट होगा। तो आज तो हमें वो लेवल देखने को मिल गया। तो अभी यहां से आगे निफ्टी में क्या होगा, अभी यहां से फिर से डाउन साइड के लेवल्स देखने को मिलेंगे, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्या लेवल्स होंगे, अभी फिर से निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। तो फिलहाल आज निफ्टी ने लो कहाँ पे किया था, 11,905 के पास, और अभी क्लोजिंग मिली है 11,941 के पास। तो हम लोग पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। तो 11,941 की क्लोजिंग आई है तो इसका मतलब हम लोग 11,900 और 950 के बीच में एट दी मनी है। तो अभी देखिए 11,800 के लेवल से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो कॉल साइड में 11,800 के ऊपर 6,29,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है, वही उसके सामने 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एग्जिट देखने को मिली है। वही और अपसाइड जाए तो 11,900 के लेवल के ऊपर 16,31,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और आज 2,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट देखने को मिली है। वही और अपसाइड जाए तो 12,000 के लेवल के ऊपर 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके सामने 4,74,000 की आज हमें राइटिंग देखने को मिली है। वही और अपसाइड जाए तो 12,100 के लेवल के ऊपर 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और आज 2,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग देखते हैं कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है तो वो बना हुआ है 25 लाख का, जो कि है 12,000 के लेवल के ऊपर। वही अगर हम लोग देखें तो आज सबसे ज्यादा राइटिंग हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वो भी दिखाई दे रही है 12,000 के लेवल के ऊपर, 4,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो अभी देखिए निफ्टी के लिए जो नियर टर्म हर्डल है वो है 12,000 का लेवल। ये अगर लेवल पार हो जाता है तो निफ्टी हमें ऑल टाइम हाइस की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी 50 के लिए वो लेवल है 12,000 का लेवल। तो अभी कॉल साइड देख ली हमने, तो चलिए चलते हैं अभी पुट साइड में। तो पुट साइड में अगर हम लोग देखते हैं 11,900 के लेवल के ऊपर तो 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और उसके सामने 5,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। वही और नीचे जाए तो 11,800 के लेवल के ऊपर 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और उसके सामने 1,17,000 की हमें यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। वही और डाउन साइड जाए तो 11,700 के लेवल के ऊपर 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट देखने को मिल रही है।
रही है। तो अभी देखिए पुट साइड में अगर देखते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है तो वो है 22 लाख का, जो कि है 11,800 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 19 लाख का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो कि है 11,900 के लेवल के ऊपर। वही अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा राइटिंग हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो सबसे ज्यादा जो राइटिंग हुई है वो हुई है 5,22,000 की, जो कि है 11,900 के लेवल के ऊपर। तो अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी 50 के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल नेक्स्ट सेशन के लिए वो है 11,900 का लेवल। ये लेवल निफ्टी को होल्ड रखना इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट सेशन के लिए। और अगर हम लोग इस वीक की बात करें तो इस वीक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 11,800 का। अगर इसके नीचे निफ्टी फिसल जाएगा, क्लोजिंग मिलेगी इसके नीचे, तो हमें और डाउनसाइड के लेवल्स जो है वो निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी अगर एक मैं ट्रेडिंग रेंज की बात करूं निफ्टी 50 के, तो निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज मुझे नजर आ रही है तो वो है 11,700 से लेके 12,100 और 150 के बीच में। तो अभी निफ्टी के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो स्टडी कर लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। मेरे सामने अभी फिलहाल निफ्टी का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। सो बुल्स कंटिन्यू द जर्नी नॉर्थवर्ड, सो मार्केट ब्रेथ हैज बीन गेटिंग स्ट्रॉन्ग, इंडिकेटिंग द ओवरऑल सेंटिमेंट्स इन द मार्केट। सो मार्केट हैज मोर लेग्स टू मूव हायर एंड इज मच हेल्दियर। सो अभी यहाँ पे क्या करना है, ऑन द लॉन्ग साइड एंड डिप्स शुड बी यूटिलाइज टू बिल्ड फर्दर लॉन्ग पोजिशंस। सो वी कंटिन्यू टू होल्ड आर व्यू ऑफ मार्केट इंचिंग टूवर्ड्स फ्रेश ऑल टाइम हाईज अबाउट 13,100 जोन। सपोर्ट फॉर निफ्टी इज एट 11,750 एंड 600 एंड रेजिस्टेंस इज एट 12,000 एंड 12,100 लेवल्स। तो अभी देखिए निफ्टी के लिए हम लोग ऑल टाइम हाईज की तरफ जा रहे हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। फिलहाल यहां से मेरा एक व्यू है कि अगर और ज्यादा डिप मिलती है हमें तो हमें जरूर जाना चाहिए लॉन्ग के लिए। कब तक? जब तक निफ्टी जो है वो 11,700 के अपसाइड है तब तक हमें निफ्टी में पॉजिटिव रहना है। और अगर 11,750 या फिर 700 के नीचे क्लोजिंग मिलती है एक भी, तो हम डाउनसाइड के लेवल्स निफ्टी 50 में देख सकते हैं। फिलहाल निफ्टी हमें और ज्यादा ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर। बट अभी देखिए निफ्टी डायरेक्टली हमें अपसाइड नहीं जाते दिखेगा, एकदम सीधे सीधे अपसाइड नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। फिर से एक बार निफ्टी 11,800-11,750 के लेवल टच कर सकता है, लेकिन फिर से वहां से अपसाइड के लिए जाएगा, ऐसे नहीं कि सीधा अपसाइड जाए। तो थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन भी हमें कुछ सेशंस में देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो अभी देखिए निफ्टी का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और 11,941 के पास क्लोजिंग आई है। तो आज हमें निफ्टी जो है वो 900 का लेवल अच्छे से होल्ड करते हुए दिखाई दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 950 का लेवल होल्ड किया था, लेकिन अपसाइड थोड़ा टिक नहीं पाया और 950 का लेवल तोड़ दिया। लेकिन अभी फिलहाल क्लोजिंग हमें 900 के अपसाइड की मिली है। तो अभी यहां से देखिए, यहां से जो मेन लेवल है नेक्स्ट सेशन के लिए वो है 900 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है हमें नेक्स्ट सेशन में, तो हमें फिर से निफ्टी जो है 850 और 800 के तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। वही अगर मैं बात करूं वीकली सपोर्ट की, तो वीकली सपोर्ट इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए 11,800 का। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, अदरवाइज हमें और डाउनसाइड के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जो निफ्टी को 11,600 तक लेके जाएंगे। वही अपसाइड की मैं अभी बात करूं तो अपसाइड के लिए देखिए फर्स्ट हर्डल रहेगा यहां से 950 का लेवल और उसके बाद में 980 का लेवल। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि यहां पे आके 980 के पास से एक बार मार्केट गिरेगा, तो आज हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया निफ्टी ने और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 12,000 का लेवल। ये एक लेवल है जहां से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, एक बार में ही इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है तो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन
एक बार तो मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है, ये मेरा व्यू है। तो फिलहाल अभी हम लोग लेवल्स की बात करते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए निफ्टी के। तो अभी देखिए, यहाँ से फर्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, वो है 11,910 का लेवल। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 11,880 का लेवल, और इसके बाद में 840 का लेवल और 810 का लेवल। ये निफ्टी के लिए डाउनसाइड के लिए सपोर्ट्स हैं। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस की बात करूँ तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 11,950 का लेवल, उसके बाद में 11,980 का लेवल और 12,000 और 12,010 का लेवल। ये निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें आने वाले सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो जो अभी मैंने लेवल्स आपको बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग में जरूर हेल्पफुल होगा। और आपकी कुछ भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लिया करो या फिर मुझे मेल कर दो। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसे चेक करो और वहां पे भी मुझे आप मेल कर सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा मैं वहां पे क्लियर कर दूंगी। तो अभी निफ्टी के लिए हमने देख लिया है, तो चलिए चलते अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 30,333 के पास। तो देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तो फ्राइडे जैसे ही आई है, फ्राइडे को 30,330 के पास आई थी और आज 30,333 के पास आई है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं आज, तो आज बैंक निफ्टी ने हाई कहाँ पे किया था, तो बैंक निफ्टी ने आज हाई किया था 30,600 के पास, और लो कहाँ पे किया था, लो किया था 30,227 के पास। तो अभी देखिए, बैंक निफ्टी तो आज निगेटिव हुआ है, थोड़ा रेड कलर की कैंडल फॉर्म की है डेली चार्ट के ऊपर। तो अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का जो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है निफ्टी के अंदर, तो अगर निफ्टी बैंक अपसाइड भागता है तो निफ्टी भी उसके साथ भागेगा। लेकिन आज हमें निफ्टी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया था और बैंक निफ्टी फिलहाल अभी रेड बंद हुआ है। तो अभी आगे इसमें क्या हो सकता है निफ्टी बैंक के अंदर, तो फर्स्ट हम लोग निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे सामने 7 नवंबर की ऑप्शन चेन है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 30,333 के पास। तो अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग 30,300 और 400 के बीच में एट दी मनी है। तो अभी 30,000 के लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 30,000 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में 1,53,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, वही उसके सामने अगर हम लोग देखते हैं तो पुट साइड में 5,53,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है, और अप साइड जाए तो 30,500 के लेवल के ऊपर 5,62,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड में, और उसके सामने पुट साइड में 1,56,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, कॉल और पुट साइड में, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है फिलहाल, तो वो है 7,39,000 का, जो कि है 31,000 के ऊपर। वही पुट साइड में देखें तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फिलहाल खड़ा है वो है 5,90,000 का, जो कि है 29,500 के लेवल के ऊपर। तो अभी देखिए, निफ्टी बैंक के लिए जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन डेटा से, तो वो है 31,000 का लेवल, और क्रूशियल सपोर्ट दिखाई दे रहा है 29,500 का लेवल। वही अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा राइटिंग हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है, कॉल और पुट साइड में, तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा राइटिंग हुई है 2,61,000 की, जो कि है 30,500 के लेवल के ऊपर। वही पुट साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो पुट साइड में सबसे ज्यादा जो राइटिंग हमें देखने को मिली है आज, वो मिली है 1,45,000 की, जो कि है 30,300 के लेवल के ऊपर। तो अभी नेक्स्ट सेशन के लिए देखिए, फर्स्ट हर्डल रहेगा निफ्टी बैंक के लिए वो है 30,500 का लेवल। वही अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है नेक्स्ट सेशन के लिए, जहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर वो लेवल
टूटता है तो वो है 30,300 का लेवल। ये अगर लेवल टूटेगा तो निफ्टी बैंक 30,000 के तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। वही अगर अपसाइड के लिए आता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए फेस हो सकता है। तो अभी देखिए, निफ्टी बैंक के लिए हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देख लिया इस ऑप्शन डेटा से, तो चलिए चलते अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। तो फिलहाल मेरे सामने बैंक निफ्टी का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। सो बैंक निफ्टी हैज बीन रेजिस्टिंग द अपर बाउंड्री ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म चैनल्स। वंस दिस जोन इज ब्रिज ऑन द अपसाइड, बैंक निफ्टी इज लाइकली टू विटनेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम एंड इज लाइकली टू ब्रिज द स्विंग हाई ऑफ 30,800 एंड हेड टूवर्ड्स टेस्टिंग ऑफ ऑल टाइम हाइज ऑफ 31,780। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, लुक टू बाय ऑन अ ब्रेकआउट एज द अप मूव इज लाइकली टू बी शार्प ऑन द अपसाइड। सो नियर टर्म अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें निफ्टी बैंक के लिए, तो निफ्टी बैंक के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 29,730 का लेवल। ये लेवल मैंने आपको पिछले बहुत सारे वीडियोस से बताया है कि ये लेवल निफ्टी बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां से जो निफ्टी बैंक के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 30,500 का लेवल और 30,850 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए दो रेजिस्टेंस है और डाउन साइड के लिए क्रूशियल क्रूशियल सपोर्ट 29,730 का है। इस लेवल के अबाव जब तक निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है तब तक निफ्टी बैंक पॉजिटिव है। इसके नीचे एक भी क्लोजिंग मिलती है तो फिर से निफ्टी बैंक हमें 29,000 के तरफ और उससे भी नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन जब तक इस लेवल को होल्ड रखा है निफ्टी बैंक ने, तब तक हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर अच्छे खासे लेवल्स अपसाइड के लिए देख सकते हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा यहां से 30,300 का लेवल, उसके बाद में 30,100 का लेवल और 30,000 का लेवल नेक्स्ट सेशन के लिए। वही अपसाइड की मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 30,440 का लेवल, उसके बाद में 30,800 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए हमें रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और आपकी कुछ भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और मैं हर रात को नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड प्लान शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आपने अभी तक मुझे अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिन लोगों को भी डीमैट अकाउंट खोलना है, एक अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तलाश में हो आप, तो अपस्टॉक्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं खुद यूज करती हूँ, मुझे अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं नजर आई, उनका कस्टमर सर्विस भी एक नंबर है। तो आपको भी अगर अपस्टॉक्स के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट जो है वो खोल सकते हो। वही अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा एनालिसिस, मेरा सिखाने के जो तरीका है वो आपको अगर पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हो, डोनेशन करना चाहते हो, तो डोनेशन की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो। और अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, यहां तक देखा है तो लाइक किए बिना मत जाना। और अगर वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पे, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और उन सबको कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।